मुख्तार अंसारी का ऑडियो टेप। मौत से पहले मुख्तार ने परिवार से बात की थी, मुख्तार की निखत और उम्र से बातचीत हुई थी, मुख्तार ने तबीयत खराब होने की बात बताई थी। नवभारत पर मुख्तार का आखिरी ऑडियो टेप, वो ऑडियो जो बताता है कि मुख्तार ने उस समय क्या बातचीत की थी। तो मुख्तार अंसारी की वो आवाज अगर आपको सुनना है तो टाइम्स नाउ नवभारत के साथ बने रहिएगा। टाइम्स नाउ नवभारत पर मुख्तार का वो ऑडियो टेप जिसमें बताया जा रहा है कि उसने आखिरी बार परिवार से बात की थी, परिजनों से ये बात अस्पताल से हुई थी या उससे पहले जेल से बात हुई थी, कहां से बात हुई थी ये भी हम आपको बताते हैं, लेकिन पहले वो बातचीत सुनिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं मेरी जान। अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। अठारह तारीख से बात से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की जमात जी। बेहोशी टाइप हो जा रहा है। हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में, देखा हमने जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा अभी यही कोर्ट में ही है, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डाली बाग वाली को अदालत में है, हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। दो दिन, चार दिन, पाँच दिन आओ ताकि हम उठ सकते, हम बैठ नहीं पा रहे बाबू, और हम नहीं हो। हम समझ रहे हैं बापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है बापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आपके, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके बापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। अल्लाह अगर जिंदा रख तभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाल्लाह, बिल्कुल अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उमरा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, शफुल मखलूकात है पापा, और आप हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो पाए। हम अभी जी बापा, हम अभी अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में, सब जल्दी बेहतर होगा बापा, आप कैसी तो कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जब आपसे कहिए बापा, हर जगह नहीं उस लायक नहीं है, आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। पापा वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं नहीं, दस दिन से न मोशन हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। जल्दी जल्दी सही हो जाएंगे पापा, हम लोग पढ़ के फूक रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए, जमजम से वह ताबा लेके आए हैं सऊदी अरब से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए और फल। पाँच दिन दस दिन जी जरूर पापा, जरूर
जी बाबा जल्दी करा रहे हैं भैया से भी इसी पे बात हुई थी अभी मेरी, आप 15-20 मिनट यहाँ जब आप बात कराए मेरी वीसी पे, वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे हम आए हुए हैं कचहरी में, यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी, वो ठीक है बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएंगे, वो वही 2-3 दिन रुका करे थोड़ा बच्ची तो खर्च भी कम लगेगा करना। जी बाबा आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे, अगर आदर हो जाएगा तो कल नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमें बोल पाओगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं मेरी जान, अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज़ सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज़ बहुत डर आ रही है, रुकिए उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए इंशाल्लाह सब सही होगा, रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। अच्छा, 18 तारीख से बात से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, नहीं एक वक्त की जी हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा बिल्कुल, बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा वीडियो में, देखा हमने जो आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं, यहाँ डाली बाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं, अगर परमिशन आज होके नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2-4-5 दिन आओ ताकि हम उठ सकें, हम बैठ नहीं पा रहे बाबू और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज, आपका आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हम अल्लाह अगर जिंदा रख कभी रखे होगा तो रूह रहेगी और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाल्लाह, बिल्कुल अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उमरा सब कराएंगे, आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है, शफुल मखलूकात हैं पापा, और आप हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं, कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो पाए। हम अभी जी बाबा हम अभी अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में, सब जल्दी बेहतर होगा बापा, आप कैसी भी कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जब से आपसे कहिए बापा हर जगह। नहीं उस लायक नहीं है, आज आए थे ना तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए, पापा वॉशरूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है कि एकदम हो ही नहीं रहा बात को? नहीं नहीं 10 दिन से न मोशन हुआ ही, कुछ हुआ ही नहीं, जल्दी जल्दी सही हो जाएंगे पापा, हम लोग पढ़ के पूछ रहे हैं, आपको जमजम और खजूर भेजेंगे या हम आएंगे तो लेके आएंगे आपके लिए, जमजम से वह ताबा लेके आए हैं सऊदीया से, जमजम और खजूर लेके आएंगे आपके लिए और फल। 5-10 दिन जी जरूर पापा जरूर,
जी बाबा जल्दी करा रहे हैं भैया से भी इसी पे बात हुई थी अभी मेरी, आप 15-20 मिनट यहाँ जब आप बात कराए मेरी वीसी पे, वीसी पे बात हुई थी यहाँ लखनऊ पेशी पे हम आए हुए हैं कचहरी में, यहाँ वीसी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है भैया से मेरी, वो ठीक है बस आप ही के लिए परेशान है, भाभी मिल के भी उससे आ जाएगी।